और कल जब उनकी जमानत हुई उसके बाद से कानूनी कई ऐसे पहलू थे जिनको फॉर्मेलिटीज थी जिनको पूरी करना था और वो औपचारिकता अब जाकर पूरी जावेद हुई है। ये मंच भी हम देख रहे हैं उनकी हुई ये आज जावेद जो हम ये मंच देख रहे हैं ये मंच पर आपके पीछे एक बार मंच बताइएगा जो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है और केजरीवाल को सलाखों के पीछे मंच तैयार किया गया है यहाँ पर पहुंचेंगे संजय सिंह और एड्रेस करेंगे जो आपके पीछे मंच देख रहे थे हम तो मेरी आप सबसे विनती है जो भी साथी बाहर की तरफ अमन बिल्कुल वो मंच बहुत सांकेतिक है आप देखिए मंच की तस्वीर सीधे दिखाते हैं मंच की तस्वीर अभी वो पोडियम बना है जहां से संजय सिंह बोलेंगे। इसको समझना दर्शकों को न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो जगह है आम आदमी पार्टी की यहां से आमतौर पर तब संबोधन किया जाता है जब आम आदमी पार्टी किसी राज्य में जीत दर्ज करती है। अरविंद केजरीवाल का यहां से संबोधन होता है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं या कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर उस पोडियम के सामने लगी है और उनको जेल के पीछे दिखाया गया है इस तस्वीर में और इस तस्वीर के पीछे ही खड़े होकर संजय सिंह का संबोधन होगा। अब आप ये समझिए जब संजय सिंह संबोधन दे रहे होंगे तो जो फ्रेम बनेगा उसमें संजय सिंह का संबोधन रहेगा और उसके सामने अच्छा जावेद एक बार मानव मेरे सहयोगी एक बार जुड़ चुके हैं जो कि संजय सिंह जो पहुंच रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं वो गाड़ी में मेरे ख्याल से संजय सिंह को ही फॉलो कर रहे हैं मानव। हाँ बिल्कुल अमन देखिए इस वक्त हम तिहाड़ जेल से करीब डेढ़ से दो किलोमीटर आगे आ चुके हैं और संजय सिंह की गाड़ियां कुछ पंजाब पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पे देख पा रहा हूँ और आगे उनके ठीक आगे संजय सिंह की यहाँ पर कार चल रही है इनोवा गाड़ी है और वही उसी कार के ऊपर संजय सिंह खड़े हुए उन्होंने बाकायदा कार्यकर्ताओं को संबोधित यहाँ पर किया। मीडिया के सामने उन्होंने कुछ बोला नहीं मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की उनका बयान लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित ये जरूर किया कि देश का एक बड़ा नेता जेल के अंदर है और काफी भावुक होते हुए दिखाई भी दिए थे परिवार से मिले भी काफी भावुक होते दिखाई दिए थे। कार्यकर्ताओं में एक जोश की जो कमी हम देख पा रहे थे एक बड़ी लीडरशिप के ना होने के चलते वो अब शायद यहाँ पर हमको लगता है कि वो उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी के लिए हो पाएगी क्योंकि संजय सिंह संगठन के एक बड़े नेता हैं और उसके लिहाज से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए जरूर एक अच्छी खबर है क्योंकि अब जिस तरीके से जो तस्वीरें यहाँ से आई है जेल के बाहर आकर सबसे पहले कार के ऊपर खड़े होना और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना मीडिया के सामने बहुत उनसे कोशिश की गई उन्होंने शायद जो अपनी भूमिका है इस मामले में उस पर उनको कहा गया कि कोई बयान ना दें तो उसको लेकर शायद वो मीडिया से फिलहाल बचे लेकिन सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से संजय सिंह जेल से बाहर निकले 6 महीने के बाद करीब 182 दिन उन्होंने जेल में तिहाड़ जेल में बिताए हैं जुडिशियल कस्टडी के बाद और 4 अक्टूबर को वो हिरासत में लिए गए थे तो फिलहाल ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके ठीक मानव मैं आपके पास आऊंगा लेकिन जो संजय सिंह ने कहा है उन्होंने कहा ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है ये वक्त संघर्ष करने का है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता केजरीवाल सिसोदिया सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है और हमें पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। एक बार सुना दीजिए संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही 181 दिनों बाद क्या कहा सुनिए। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी जमानत को जीत के तौर पर प्रोट्रे करेगी और इसको जश्न के तौर पर और इसको इस तरह से दिखाया जाएगा जैसे केस पूरी तरह से फर्जी है। हालांकि केजरीवाल जी को आज भी अभी रात नहीं मिली फैसला सुरक्षित है कल क्या होगा पता नहीं। मानव मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं जावेद मेरे साथ हैं पहले मानव के पास चलते हैं। मानव कितना टाइम लगेगा जहां पर जावेद मौजूद है पार्टी ऑफिस पहुंचने में?
देखिए जो जानकारी ताजा जानकारी मिल रही है ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह सीधा शायद अरविंद केजरीवाल के आवास जा सकते हैं क्योंकि वहां पर उनको सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करनी है। अगर समय रहते रिहाई जेल से हो जाती तो शायद वो पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते, लेकिन अब समय काफी ज्यादा हो गया है। तो अभी जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि सिविल लाइन 6 फ्लैगस्टॉक मार्ग जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी से वो मुलाकात कर सकते हैं। ये ताजा जानकारी हमारे पास अभी पहुंच रही है और तकरीबन यहाँ से मुझे लगता है कि 30 से 40 मिनट लगनी चाहिए क्योंकि शाम का समय है तो दिल्ली में ट्रैफिक इस वक्त काफी ज्यादा होता है। तो पूरी कोशिश हमारी यह है कि हम संजय सिंह की वो झलक दिखा पाए क्योंकि यहाँ से 3 गाड़ी आगे ही संजय सिंह की वो इनोवा कार है जिसके अंदर वो अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। उनके साथ कार में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे जरूर दिखाई दिए, अपनी पत्नी के साथ थे। कार के भीतर कौन कौन है ये मैं जानकारी दे देता हूँ। संजय सिंह की पत्नी है अनिता सिंह, वो बैठी हुई है। उनकी बेटी इशिता है, बेटा रजत है। इसके अलावा उनके साथ में रहने वाले जो व्यक्ति है वो उसको कार चला रहे हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा परिवार जो करीबी लोग हैं वो कार में। तो मानव का आपने सुना बड़ी खबर, मानव इस वक्त दे रहे हैं कि संजय सिंह पहले सुनीता केजरीवाल से मिलने जाएंगे। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जो मानव दे रहे हैं कि संजय सिंह पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं सुनीता केजरीवाल से मिलने पहले सीधे सिविल लाइन्स जाएंगे, क्योंकि अगर पहले रिहाई होती तो संभवतः वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते। लेकिन अब खबर है संजय सिंह सबसे पहले सुनीता केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे नारा संजय सिंह का। छोटा सा ब्रेक लेंगे।